that we could come and sit around your feet. Yes, sir. And learn from you and learn from your word. Hallelujah. We need a special touch, special grace, special anointing. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. We welcome you to our Bible study. और अपने बाइबल अध्ययन में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। We are studying together for many weeks on the topic miracles of Jesus or the miracle which were performed by Jesus Christ। और पिछले कई सप्ताह से हम प्रभु यीशु मसीह के उन चमत्कारों के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं या वो चमत्कार जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने किया है। Last week we discussed 10 obstacle for getting your miracle. गत सप्ताह हमने अध्ययन किया ऐसे कौन से 10 रुकावटें हैं जो आपके चमत्कार को पाने से आपको रोकते हैं। This morning I want to talk to you. I want to give you some bullet point so you and I can have our miracles. और आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा जिनको मान करके हम अपने चमत्कार को प्राप्त कर सकते हैं। और इफ यू टेक दीज स्टेप्स यू विल एक्सपीरियंस योर मिरेकल। यदि आप इन कदमों को उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप अपने चमत्कार को पा सकते हैं। अगेन लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, एक बार फिर से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जीसस इज द हीलर। प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला है। And he heals people according to his attribute. और वह लोगों को अपने गुणों के अनुसार चंगाई देता है। So what are the steps you and I must take to have our miracle? तो कौन से ऐसे कदम हमें उठाने हैं ताकि हम अपने चमत्कार को पा सकें? Number one. पहली बात, Be sure you are in right relationship with God and others. एक बात आप याद रखें कि आपका और परमेश्वर का और आपका और दूसरों का रिश्ता अच्छा होना चाहिए, घनिष्ठ होना चाहिए। I put the word right relationship. मैंने कहा उचित या सही रिश्ता होना चाहिए। When you are in right relationship with God, जब आप परमेश्वर के साथ अच्छे रिश्ते में या एक उचित रिश्ते में आ जाते हैं, that is the door you are opening for your miracle. और यही वो द्वार है जो आप अपने चमत्कार को पाने के लिए खोल देते हैं। और that is the key to open the door for your miracle. इसका मतलब आप अपने चमत्कार को पाने के लिए उस द्वार को खोल देते हैं। Lot of people they have great relationship, right relationship with God, but still they don't experience their healing. देखिए बहुत से लोग तो परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता अच्छा होता है, लेकिन फिर भी वह अपने चमत्कार को नहीं पास पाते। Reason. They don't have right relationship with others. इसका कारण यही है कि दूसरों के साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं है। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। That you have a vertical as well as a horizontal relationship. आप याद रखें, आपका रिश्ता ना केवल परमेश्वर के साथ जो लंबवत है वह अच्छा होना चाहिए, परंतु संबंध जो लोगों के साथ आपका रिश्ता है वह भी अच्छा होना चाहिए। Point number two, which is from point number one, with the question how you can have a right relationship with God. अब आइए दूसरा जो बिंदु है वो पहले बात से मिला हुआ ही है कि आखिर आप कैसे एक अच्छा रिश्ता या सीधा संबंध परमेश्वर के साथ साध सकते हैं। Point number two. दूसरी बात, pursue a deeper relationship with God through His Word and through your prayers. और उसके वचन और प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ते को कायम कर सकते हैं। Let me add something. When you spend a consistent time with His Word and prayer,
यू ओपन द डोर फॉर योर मिरेकल। जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में और उसके वचन मनन में समय बिताते हैं, आप अपने चमत्कार के लिए द्वार खोल सकते हैं। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव इट इज अ कंसिस्टेंट टाइम, यू हैव अ कंसिस्टेंट टाइम। आप याद रखें, आपका जो समय है वो निरंतर या सतत रूप से बने रहना चाहिए। सम पीपल व्हाट दे डू बिकॉज़ समवन विल आस्क ऑन संडे मॉर्निंग, they will read 2-3 hours word of God and they think it's enough for the whole week। अब कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि रविवार में कोई मुझसे पूछेगा इसलिए मैं 2-3 घंटे पढ़ लेता हूं और पूरे सप्ताह के लिए हो जाएगा। Don't do that way। आप ऐसा ना करें। Every day you must discipline yourself spending time in the word of God, because when you spend time with the word of God your faith will go to the next level। आप याद रखें, आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएं ताकि आपके विश्वास का स्तर अगले आयाम में या ऊंचे आयाम में चले जाए। And Bible says, without faith, it is impossible to please God। और बाइबल में लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। Now here, when I say spending time in the word of God, I mean meditating the word of God। और यहाँ जब मैं परमेश्वर के वचन में मनन करने की बात कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब यही है कि मनन करना, समय बिताना वचन के साथ। Don't just read। आप केवल यूं ही पढ़ना दें। But meditate what you are reading। लेकिन जो आप पढ़े हैं, उस पर मनन करें। Let me explain with another word। एक और शब्द का उदाहरण देकर। With our physical body। हमारे शरीर से उदाहरण मैं लूँगा। As masticating is important for your physical health, same way meditation is important for your spiritual health। जैसे आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आपको चबाना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार से आपके आत्मिक स्वास्थ्य के लिए आपको मनन करना बहुत जरूरी है। If you swallow the food, you will never get the nutrients which is in the food। यदि आप भोजन को बिना चबाए यूं ही आप उसे निगल लेंगे, तो उसमें जो पोषक तत्व है वो आपको नहीं मिलेंगे। If you eat without mastication, you will have a disease known as dyspepsia। तो आप देखेंगे यदि आप बिना चबाए यूं ही भोजन को अंदर ले लेते हैं, dyspepsia नामक यह बीमारी आपको हो जाएगी। I want you to be spiritual healthy and have a right concept about God so that you can have your miracle। आप आत्मिक तौर पर स्वस्थ हो जाएं, आप परमेश्वर के बारे में एक सही दृष्टिकोण विचारधारा को बनाएं ताकि आप उनका विश्वास और बढ़ जाए। For example, उदाहरण, let's open the Bible। आइए हम बाइबल खोलें। And come to Psalm 103। भजन 103। I'm just going to explain very briefly what I mean by meditating so that I can have my miracle, you can have your miracle। तो आप अपने चमत्कार को पा पाएं, मैं अपने चमत्कार को पा लूं, इसलिए चमत्कार या विश्वास के ऊपर एक बहुत ही सरल बात यहां से मैं आपको समझाऊंगा। Verse 3, the second verse says, who heals all your diseases। जो तुम्हारे सभी रोगों को चंगा करता है। Father, we thank you, you are my healer। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा चंगा करने वाला है। You can heal all diseases। तू तमाम बीमारियों को चंगा कर सकता है। I'm going to take this scripture and I will apply in my own life। और इस आयत को लेकर अपने खुद के जीवन में मैं लागू करूंगा। I start meditating। मैं मनन करना शुरू करूंगा। What do you mean by all diseases? सारी बीमारियों से क्या मतलब है? Everything। सब कुछ। From cold and cough to tumor to cancer, every disease is God can heal। सर्दी, खांसी, कर्क रोग, ट्यूमर, जो भी बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर सब कुछ चंगा कर सकता। Start meditating on the word of God। परमेश्वर के वचन पर मनन करना शुरू करें। My God wants to heal। मेरा परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। Thank you for the word। और इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। And keep meditating।
In the past, you have healed many people. और अतीत में आपने बहुत से लोगों को चंगा किया है. You have healed many people in the New Testament. और नए नियम में भी तुमने बहुत से लोगों को चंगा किया है. Lot of people they think, oh, healing was only in the four gospels. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि केवल चार सुसमाचारों में ही चंगाई का जिक्र है. But when you read Book of Acts, लेकिन जब आप प्रेरितों की पुस्तक पढ़ते हैं, there are more than 35 miracles recorded in Book of Acts. लगभग 35 चमत्कार प्रेरितों की काम पुस्तक में दर्ज किया गया है. Listen to me. ध्यान से आप सुने. You can have your miracle. आप अपने चमत्कार को पा सकते हैं. Or you can become a miracle for someone. आप स्वयं दूसरों के लिए चमत्कार बन सकते हैं. Let me repeat so it will get into your system. मैं दोहराऊंगा ताकि आपकी समझ में ये बात बैठ जाए. You can receive your miracle. आप अपने चमत्कार को पा सकते हैं. Or you can become a miracle for someone. आप दूसरों के लिए चमत्कार बन सकते हैं. Number three now. तीसरी बात. What we have to do now? अब हमें क्या करना है? We have a right relationship with God. अब परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अच्छा हो चुका है. We have right relationship with people. लोगों के साथ भी रिश्ता हमने अच्छा कर लिया. Pastor, what do you mean by that? अब आप बोलेंगे पासवान इसका तात्पर्य क्या है? Bible says in Epistle of Peter. पत्रस की पत्री में बाइबल इस बात को बताती है. If you don't have right relationship with your spouse, your prayers will not be heard. अपने जीवन साथी के साथ यदि आपका रिश्ता ठीक नहीं है, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा. So have right relationship. तो आप एक सही रिश्ता कायम करें. And now with that I'm going to go to a deeper relationship. अब इन बातों को ध्यान में रखने के बाद अब और भी गहराई में या और भी गहरे रिश्ते को कायम करने में हम जाएंगे. Come when I have a consistent disciplined time in the word of God and in prayer. और ये तब होगा जब बहुत ही सतत या निरंतर रूप से ना केवल प्रार्थना में परंतु परमेश्वर के वचन दोनों में जब मैं समय लगाऊंगा. नंबर थ्री, तीसरी बात, फिल योर लाइफ और फिल योर हार्ट एंड माइंड विद ओवरफ्लोइंग वर्ड ऑफ गॉड. फिल योर लाइफ टू ओवरफ्लोइंग, वी कैन मेक इट लाइक दैट. फिल योर हार्ट एंड माइंड to overflowing with God's word. और परमेश्वर के वचन की बहुतायतता से जो उमड़ता है अपने मन और अपने दिल को आप भर दें. Now you have to follow me because this is simple, but you have to follow me. बहुत ही सरल है लेकिन आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा. I'm spending time in the word of God. और परमेश्वर के वचन के साथ में समय बिता रहा हूँ. I'm meditating the word of God. और परमेश्वर के वचन में मनन कर रहा हूँ. But now I come to the next level. I'm going to have my heart and mind overflow with His word. लेकिन अब मैं उस स्थान में आना चाहूँगा जहाँ पर परमेश्वर के वचन के साथ मेरा मन और जो मेरा हृदय है वह उमड़ने लगेगा. Question comes, why you must have a overflowing word? हो सकता है प्रश्न आपके मन में यह आए कि ये उमड़ने वाला जो वचन है आखिर ये मेरे अंदर क्यों होना चाहिए? Because we live in a society where we have overwhelming experiences every day. क्योंकि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर प्रतिदिन उमड़ने वाले अनुभव हमें दिखाई देते हैं. I mean, some are very disappointing and discouraging moments. कई बार जीवन में ऐसे पल या ऐसी घड़ी आती है जो बहुत ही निराशाजनक, बहुत ही दुख देने वाले होते हैं. Circumstances can overwhelm you. और जो परिस्थितियां हैं हो सकता है आप पर हावी हो जाए. Things can overwhelm you. और जो बातें हैं हो सकता है आप पर हावी हो जाए. People can overwhelm you. हो सकता है लोग आपके ऊपर हावी हो जाए. In that situation, ऐसी परिस्थिति में, when you are saturated with the word of God and the word of God is overflowing, you can handle any negative thing coming in your life. तो जब आप परमेश्वर के वचन से सराबोर होते हैं, आप परमेश्वर के वचन से लबरेज होते हैं, तो जब भी ऐसी परिस्थिति आपके सामने आती है, आप उससे आगे निकल सकते हैं. Hallelujah. Overflowing word will bring strong faith in your life. उमड़ने वाले वचन का अनुभव आपके जीवन में मजबूत विश्वास को उत्पन्न करेगा. Overflowing word will bring praise in difficult situations.
सिचुएशन उमड़ने वाला जो एक वचन का जीवन है आपके अंदर परमेश्वर के ऊपर एक बड़े भरोसे और ईमान को उत्पन्न करेगा इन लोकल चर्च इटारसी आई हैव शेयर्ड एन एक्सपीरियंस ऑफ माय डैड व्हेन ही वाज इन डैलस और मुझे याद आता है इटारसी कलीसिया में मैंने इस अनुभव को बताया है जब मेरे पिता डैलस में थे माय ब्रदर लॉ मिस्टर बीके जेम्स वाज ड्राइविंग द वैन और मेरे जो ब्रदर लॉ है मिस्टर बीके जेम्स वो वैन चला रहे थे And they met with an accident. और वहाँ एक दुर्घटना हो गई। The van flipped completely. और वो वैन पूर्णतः पलट गया। There was a small baby also in the car, in the van. और उस वैन के अंदर एक छोटी बच्ची भी थी। Somehow my dad came out. और मेरे पिता बाहर आए। And he is standing on the highway. और वो हाईवे में इस प्रकार से खड़े हैं। Lifting his hands. अपने हाथों को ऊपर उठा के रखे। Praising God. परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। And Mr. B.K. James told my dad, oh, "We cannot see the baby." और Mr. B.K. James मेरे पिता से ये कहते हैं कि अब हमें बच्चा कहाँ है दिख नहीं रहा। After few minutes, towing truck came, and when they moved the van, they found the baby without any scratches. और देखिए जब गाड़ी उठाने वाली बड़े वाहन को लाया और गाड़ी को जब उठाकर हटाया गया, देखा कि बिना किसी खरोच के बच्चा नीचे है। My dad had an overflow of God's word in his mind and in his heart. आप देखिए मेरे पिता का परमेश्वर के वचन को आप देख सकते हैं उनके दिल और दिमाग में उमड़ता हुआ एक अनुभव था वचन उनके अंदर भरा हुआ था. Difficult situation. मुश्किल परिस्थिति. Terrible condition. और बड़ी ही भयावह स्थिति. Heartbreaking news. और दिल तोड़ देने वाली खबर. But my dad's heart was full of the word of God. मेरे पिता का हृदय परमेश्वर के वचन से भरा हुआ था। And they could see the miracle there. और वो वहाँ पर चमत्कार को देख पा रहे थे। Believers, विश्वासियों, as you are writing and studying together with us, जब आप हमारे साथ मिलकर के वचन को सीख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, I challenge your heart to make your life an overflowing life with the word of God. मैं चाहूँगा आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के द्वारा उमड़ने वाला बना दे भरपूर बना दे It's not easy to praise God when you know you have met with an accident. और ये इतना सरल नहीं है कि जब आपको मालूम चले आपकी दुर्घटना हो चुकी है और उस परिस्थिति में आप परमेश्वर की स्तुति करें But when your life is overflowing, लेकिन जब आपका जीवन उमड़ रहा है I guess COVID-19 is getting worse everywhere. हाँ, हर स्थान में आप देख सकते हैं COVID-19 बहुत ही बदतर हो रहा है. Many, many, many have lost their dear ones. अपने प्रियजनों को खो दिया. Dad and mom, their children, बच्चे. I know it's difficult. मुझे पता है ये बहुत मुश्किल. But if your life is full of the word of God, लेकिन यदि आपका जीवन परमेश्वर के वचन से भरपूर है. Lord, thank you. प्रभु धन्यवाद For this COVID-19. इस COVID-19 के लिए. I know you're going to teach me something. मुझे पता है कि तू हमें कुछ सिखाने वाला है. You're going to teach me something during this COVID-19. COVID-19 के समय भी तू हमें कुछ सिखाने वाला है. Listen to me. आप ध्यान से सुने. You will have your miracle in COVID-19 also. और COVID-19 के बीच में भी आपको अपना चमत्कार मिलेगा. Let me repeat one more time. एक बार मुझे दोहराने दीजिए. You can have miracle in During COVID-19 in your home, आपके घर में COVID-19 के समय भी आपको चमत्कार मिलेगा। Because you are full with the word of God. क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से भरपूर हैं। For example, we just take one scripture. उदाहरण के लिए मैं केवल एक आयत आपके बीच में रखना चाहूँगा। Bible says, I want you to open because you may think I'm just. I want Pastor Wilson to read Book of Romans chapter 8. और रोमियो की पत्री 8वां अध्याय पास्टर विल्सन पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं बहुत से लोगों ने इस आयत को संदर्भ से बाहर पढ़ने की कोशिश की है। So let me tell you, there are two conditions are there. मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर दो शर्तें दी गई हैं।
Yes, all things work together for good, we can say that thing. हाँ, बोल सकते हैं सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। But when you have your word, when you make your life saturated with the word of God, क्योंकि जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से भरपूर बना लेंगे, it will say those who love God, वे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, and number two, और दूसरी बात, who are called according to His purpose, और वे लोग जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, there are two conditions are there, और आप देखिए यहाँ पर दो शर्तें हैं, so any difficult situation, whether it's a sickness in your home, चाहे घर में बीमारी हो, or financial crisis, और जो आपके घर में आर्थिक समस्या हो, if you love the Lord, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, called by Him only, और उसके द्वारा यदि आप बुलाए गए, now again let me give you one, people think calling is only for the pastors. लोग ये सोचते हैं कि बुलाहट केवल पासवानों के लिए होती है. That God will call certain people for the ministry. कि परमेश्वर सेवकाई के लिए कुछ लोगों को बुलाता है. But if you study the Bible carefully, लेकिन यदि आप ध्यानपूर्वक बाइबल को पढ़ेंगे, He has called us from darkness into the marvelous light. देखिए उसने हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया है. So if you know your calling, the purpose of your calling, what is the purpose? He has called you from darkness into the marvelous light, so that we can praise Him. तो देखिए उसने आपको उस अंधकार से अद्भुत ज्योति में इसलिए लाया है कि हम उसकी स्तुति कर पाएं. So I know the purpose of my calling. तो मेरे बुलाहट का उद्देश्य मुझे मालूम है. And I know I love God. अब मुझे क्यों मालूम है परमेश्वर से प्रेम करता हूँ. So even in difficult situation I am in, God will work out the best for me. तो भले ही मैं मुश्किल घड़ी में क्यों ना हूँ, उसके द्वारा भी परमेश्वर मेरे लिए उत्तम बातों को निकाल सकता है. I was in difficult. I know my wife will get extra point for this one. I was in difficult situation when I arrived in America. और जब मैं अमेरिका पहुंचा, स्थिति बहुत ही मुश्किलें थी. I should not go in detail there. Immigration department took my passport away from me. और जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वाले हैं, उन्होंने मेरा पासपोर्ट मुझसे ले लिया. They said you have come to work in this country, so you don't have work permit, you cannot. तो बोला आप यहाँ देश में कार्य करने आए हैं, आपके पास कार्य करने की अनुमति नहीं है, आप यहाँ नहीं रह सकते. You have to put, give a bond. आपको बार देना है. Bond? Oh, I'm talking. I didn't have the money. और बॉन्ड जो देना था, इतना पैसा मेरे पास नहीं था. That time Indian government gave permission, or they only allow a passenger to take $8. आप देखिए उन दिनों में जो भारत सरकार केवल $8 ही ले जाने का अनुमति देती थी. And my bond was $1,000. और मेरा जो बॉन्ड था वो $1,000. Yeah, it's a difficult. बहुत ही मुश्किल था. My passport was taken away from me. और पासपोर्ट मुझसे ले लिया गया था. But God knows everything best for you. लेकिन परमेश्वर आपके लिए सारी बातें जो सर्वोत्तम है जानता है. All things work together for good to those who love Him. सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं. Just keep the word good. आप देखिए भलाई. Now, after few weeks, I saw Elizabeth. और कुछ सप्ताह के बाद मैंने Elizabeth को देखा. I never knew that the way God is working out everything good for me. मुझे पता नहीं परमेश्वर इस रीति सारी भलाई को मेरे लिए इस्तेमाल कर रहा है, उपयोग कर रहा है. And then we decided to get married. और हमने निर्णय लिया कि अब विवाह करेंगे हम. We waited 8 months. हमने 8 महीने इंतजार किया. But that 8 months was enough for me because I'm marrying a green card holder. लेकिन वो 8 महीने मेरे लिए पर्याप्त थे क्योंकि जो ग्रीन कार्ड रखने वाले हैं मैं उनसे विवाह कर रहा था. अब ध्यान से आप सुनो. Follow me now. अब ध्यान से आप सुनो. How the miracle can happen? अब चमत्कार कैसे हो सकता है? Bible says if you find a prudent wife is a good thing. यदि आपने बुद्धिमान स्त्री पाई है तो ये भली बात है. All things working together for good. सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं. What I'm saying, मैं क्या बोल रहा हूँ? God can do a miracle for you
when your life is overflowing with the word of God. जब आपका जीवन परमेश्वर के वचन से भरपूर है, आपके लिए परमेश्वर चमत्कार कर। You don't have to go to Tamil Nadu to get the girl. आपको तमिलनाडु जाने की जरूरत नहीं है लड़की लेने के लिए। God can provide anywhere. परमेश्वर कहीं भी आपके लिए प्रबंधन। You don't have to go to Chhattisgarh to find the girl. आपको छत्तीसगढ़ जाने की जरूरत नहीं है लड़की लेने के। Pastor Nikhil is a witness. Pastor Nikhil इस बात की गवाह है। Pastor Wilson is a witness. Pastor Wilson इस बात की गवाह है। What I'm trying to say to you today. मैं आज आपको क्या बताना चाहता हूँ? Listen to me. I have been charged up this morning. और आज सुबह मैं ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। When I saw this in the scripture. और जब मैंने वचन में इस बात को देखा। When your mind, when your heart is full of the word of God. जब आपका हृदय, आपका मन परमेश्वर के वचन से भरपूर है। What Bible says, what is in your heart, it will come out. बाइबल में लिखा है, जो कुछ आपके हृदय में है, वो बाहर आ जाएगा। Let me explain now. मैं आपको समझाऊंगा। When you see the difficult situation. जब आप मुश्किल स्थिति को देखते हैं। Negative things. नकारात्मक बातों को देखते हैं। Good thing is will come out of your heart because word is in your heart. भली बातें आपके अंदर से निकलती हैं क्योंकि आपके अंदर वचन भरा है. My God will do something today. मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ कर सकता है. My pantry will be full. और मेरे खत्ते भर जाएंगे. I will be healthy. और मैं स्वस्थ रहूंगा. Yes. Speaking the word of God. हम परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं. But if you are empty, यदि आप खाली हैं, nothing will come out. कुछ भी बाहर नहीं आए. Bible says. बाइबल में लिखा है. Power in your word. आपके शब्दों में सामर्थ है. One translation. There's power in your mouth. आपके मुख में सामर्थ है. That's why I want believer to have overflowing word of God. इसलिए विश्वासी मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर वचन की भरपूरी होने पाए. वचन आपके अंदर से उमड़ना चाहिए. So you can speak to your adverse condition. तो आप अपने मुश्किलों से आप ये बोल सकते हैं. You can speak to your difficult situation. अपने मुश्किलातों से, मुश्किल परिस्थितियों से आप बोल सकते हैं. My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर. I thank God for COVID-19. COVID-19 के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो. Many things happened in our life because of COVID-19. Good positive thing happened. बहुत सी सकारात्मक बातें हमारे जीवन में हुआ इस COVID-19 के कारण. So I thank God. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। Because our life is full of the word of God. क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन से भरा है। And we are speaking miracle in every difficult situation. हर एक विषम परिस्थिति में हम चमत्कार की बात बोल रहे हैं। My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर। Number four. चौथी बात। Very important now. बहुत ही महत्वपूर्ण है। We have done three things. तीन बातें हमने देख लिया। So fourth step will be very easy. तो चौथा जो चरण है या कदम है बहुत ही सरल होगा। If you follow the first three steps, यदि आप पहले तीन कदमों का अनुकरण करते, this is the teaching, so I may repeat sometimes. ये शिक्षा है, तो मैं दोहराऊंगा अभी कुछ बातें. Right relationship with God and others. परमेश्वर और दूसरे लोगों के साथ आप अपना रिश्ता कायम करें, उचित बनाएं. Deeper relationship with God. और परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता कायम करें. Overflowing word. In your mind and in your heart. आपके हृदय, आपके मन में वचन की प्रचुरता, भरपूरी आप बनाए रखें. Something just came in my mind. कुछ ऐसी बात जो मेरे मन में आई. Why I have to have word of God in my mind? तो आखिर मेरे मन में परमेश्वर का वचन क्यों होना चाहिए? It's good to have word in the heart. I know that. और दिल में अपने वचन रखना अच्छी बात है. But mind is the entry gate for good or bad thing. क्योंकि आपका जो मन है, भली या बुरी बात का प्रवेश द्वार है. And when your mind is saturated with the word of God, word of God has power. तो जब आपका मन परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है, उसकी सामर्थ वहाँ पर होती है. Now, fourth step. चौथा कदम. If I give that fourth point as number one, you will say how it can happen. यदि मैं ये चौथी बात जो है, पहली बात के स्थान पर बोलता, तो आप बोलते हैं कैसे हो सकता है? Fourth. Never give up. आप कभी हार ना माने. Never give up hope. आप कभी आशा में हार ना माने. Continue to trust God. आप लगातार परमेश्वर पर विश्वास करें. Believers. विश्वासियों. During this teaching. इस शिक्षा के दौरान. I want to challenge your heart. Never to give up. मैं आपके दिलों को ये चुनौती देना चाहूंगा, कभी भी आप हार ना माने. Never to give up. कभी भी आप हार ना माने. Satan wants you to take your hope, your confidence, your courage. क्योंकि शैतान ये चाहता है आपकी हिम्मत, आपकी हियाव
और आपके भरोसे को वो आपसे ले ले। If he can take that thing away from you, यदि इन बातों को वो आपसे चुरा ले, he will get you completely. वो आपको पूर्णतः पा लेगा। You can see even men of God like Elijah, Satan got into him. आप देखिए, एलिया की बात करें जो परमेश्वर का जन था, शैतान ने उसे भी पकड़ लिया। Now he said, Lord, take my life. अब वो कहता, प्रभु तू मेरे जीवन को ले ले। He gave up his hope. अब देखिए उसने अपनी आशा को त्याग दिया। When he heard the declaration of queen, आप देखिए उस रानी की उस घोषणा पर उसने विश्वास कर लिया। And his thought became very negative. और उसके विचार नकारात्मक हो गए। Moses gave up hope. आप देखिए मूसा ने अपने हार देख सकते हैं हार मान लिया। Disciples gave their hope. आप देखिए चेलों ने हार मान लिया। That's why Jesus said to them, इसलिए यीशु ने उनसे कहा, Do not lose your heart. आप अपने हृदय को ना छोड़े, आए अपने हियाव को ना छोड़े। That's why you and I must make a decision. We must program our mind today that I will never give up. इसलिए आज आप अपने मन में इस बात को बैठा लें कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। I will keep continuing to trust God. मैं लगातार परमेश्वर पर विश्वास करते रहूंगा। Hallelujah. Praise the Lord. Amen. 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 We can have our miracle. हम अपने चमत्कार को पा सकते हैं। As we can have our miracle. मैंने कहा हम अपने चमत्कार को पा सकते हैं। Elijah, when he came to a place completely hopeless, but he trusted God. आप देखिए एलिया एक स्थान में आया जहां कुछ भी उसके पास नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। He got his miracle through raven. आप देखिए कौवे के द्वारा उसे अपने अपने चमत्कार को उसने पाया। He received his miracle through a widow woman. और एक विधवा स्त्री के द्वारा उसने अपने चमत्कार। And he received his miracle through an angel. और एक दूत के द्वारा, स्वर्गदूत के द्वारा उसने अपने चमत्कार को पाया। Do not lose your hope. तो आप अपने आशा में कभी हार ना माने। What Psalm says? और भजनकार क्या कहता है? In verse 14, पढ़िए। 27:14. 27:14 पढ़े। Wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage. और विश्वास में मजबूत हो जाओ और आपका तुम्हारा दिल जो है वो हिम्मतवान हो जाए। We must be strong. हमें मजबूत बनना। यावान और तेरा हृदय दृढ़ रहे। Let's hope in God. आइए हम परमेश्वर पर विश्वास करें। Let's hope in God. आइए परमेश्वर अपनी आशा हम रखें। In the hopeless condition, आशा ही है God of all hope. Bible says in Romans. और रोमियों में लिखा है कि आशा की परिस्थिति में तमाम आशा को देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। He is a God of all hope. वो पूरी आशा का परमेश्वर है। Let me find that passage. It's not in my note, but Romans chapter 15. रोमी 15 आयत। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। That you may abound in hope. कि तुम आशा में बने रहो। Now, point number three, we said we should saturate our life with the word of God. देखिए हमने कहा कि आपको अपने मन को और अपने आत्मा को परमेश्वर के वचन से भरपूर करना है। And then this scripture came in my life. और ये आयत अब मेरे मन में आया। May the God of hope fill you with all joy and peace. होने पाए कि आशा का परमेश्वर आपको आनंद और शांति से भरपूर कर लेगा। So that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम आशा में बने रहो। We need that hope. ये हमें इस आशा की आवश्यकता है। For our miracle. अपने चमत्कार के लिए। For our miracle. अपने चमत्कार के लिए। God did many miracles last 3 months. गत 3 महीनों में परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कारों को किया है। Even we got a call from a family. They were yesterday.
that they are so thankful for praying and they got their miracle. और उन्होंने कहा, फोन करके बताया कि धन्यवाद कि आप लोगों ने प्रार्थना की और एक हमें जो चमत्कार चाहिए था हमें मिल गया। Their hope is building up. आप देखिए उनकी आशा निर्मित हो रही है। Hope is going to abound in their life. आप देखिए उनके जीवन में आशा अब और भी गहराई से बसेगा। Continue to trust God. परमेश्वर में लगातार अपने भरोसे को बनाए रखिए। How long? कब तक? How until you see a miracle? जब तक आप अपने चमत्कार को नहीं देख लेते। Keep trusting God. परमेश्वर पर भरोसा। Now, a lot of people after they got their miracle, they forget God. बहुत से लोग ऐसा करते हैं जब उनको अपना चमत्कार मिल जाता है, वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। So let me make a change in that statement. तो उस कथन में मैं एक परिवर्तन करना चाहूँगा। Fill your life or never give up. और आप कभी हार ना माने। And keep trusting God even after you see your miracle. और अपने चमत्कार को देखने के बाद भी आप परमेश्वर में भरोसा रखे रहें, बने रहें। And you will see more miracles will come on your way. आप देखेंगे आपके मार्ग पर बहुत सा चमत्कार और भी आएगा। Number five. पांचवी बात, which is not easy, is all. But once you become mature. Believer or Christian, step number five will be easy. उतना सरल नहीं है, लेकिन यदि आप परिपक्व मसीह बन जाएं, तो हो सकता है आप ये अपना पाएं। Let me make it very simple. Examine your life. और आप अपने जीवन को जांचें। To see what God wants to bring changes or what God has a desire to bring change in your life. कि आपके जीवन में परमेश्वर किस प्रकार के परिवर्तन लाना चाहता है। God will perform miracle in your life if you are willing to follow the desire of God. आप देखिए, जब परमेश्वर की इच्छा को मानने के लिए तैयार हैं, तो क्या परिवर्तन वो आपके जीवन में लाना चाहता है आप समझ पाएंगे। Lot of people, they don't like to see the correction or changes in their life. बहुत से लोग अपने जीवन में सुधार या परिवर्तन को देखना नहीं चाहते। God will bring miracle when you are willing to accept challenges and correction. आप देखिए, जब आप सुधार या परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार रहेंगे, तो आप देख पाएंगे कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में कार्य करता है। He will work. और वो कार्य करेगा। And he will work. मैंने कहा वह कार्य करेगा। He worked in the life of Saul. और उसने के शाउल के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। He was willing for that change. और देखिए, वो परिवर्तन के लिए तैयार था। He worked in the life of Jacob. आप देखिए, उसने याकूब के जीवन में काम किया। It took time for Jacob to accept the correction or the changes God wants to bring in his life. समय लगा याकूब को सीखने के लिए कि क्या परिवर्तन और क्या एक परिवर्तन परमेश्वर उसके जीवन में देना चाहता है। It took time for the brothers of Joseph to see what God wants to try to do in their life. आप देखिए, यूसुफ के भाइयों के जीवन को भी उनको बहुत समय लगा सीखने में कि परमेश्वर के जीवन में क्या परिवर्तन लाना चाहता है। God did a miracle or brought a change in life of Jacob's older brother. आप देखिए, याकूब के बड़े भाई के जीवन में भी आप देखिए परमेश्वर ने परिवर्तन लाया। So you must be willing to accept changes in your life. तो आपको जागरूक होना है, इच्छुक होना है कि परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन लाए। And if you are willing, you will have your miracle. और यदि आप इच्छुक हैं, आपको आपका चमत्कार मिल जाएगा। Sometimes these changes are very painful. कई बार ये जो परिवर्तन है, बहुत ही दर्द भरे हो सकते हैं। Very painful. बहुत ही दर्द भरे। To take my dad from Kerala, just think, 76 years ago. To Tarsi, it was a painful change. तो सोचिए, 76 वर्ष पहले मेरे पिता का केरल से तारसी आना बहुत ही दर्द भरा एक अनुभव था। Change was there. परिवर्तन हुआ। With lot of pain. बहुत दर्द के साथ। But my dad was willing for those changes. लेकिन मेरे पिता तैयार थे उन परिवर्तन को करने के लिए। And we have seen what God did in a small town, Itarsi.
और एक इटार से जैसे छोटे से नगर में परमेश्वर ने क्या किया उनके द्वारा हम देख सकते हैं। इट वॉज वेरी पेनफुल, ये बहुत ही दर्द फॉर मी टू लीव अमेरिका एंड कम टू इटार्स। मेरे लिए अमेरिका छोड़कर इटार्स आना बहुत ही दर्द भरा था। इट वॉज पेनफुल फॉर मी टू सेंड माइकल मलिस माइकल मर्सी मलिसा बैक टू अमेरिका। और मेरे लिए माइकल मर्सी और मेलिसा को वापस अमेरिका भेजना बहुत मुश्किल था। 94 की बात। It was painful. ये दर्द भरा था। But those changes were necessary for me to have a deeper relationship with God. लेकिन परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता कायम करने के लिए ये परिवर्तन बहुत जरूरी थे। I have learned one thing and I want you to learn. और मैंने एक बात सीखा है और मैं चाहता हूँ कि आप भी सीखें। Lord, whatever changes you want to bring in my life, I'm willing. I'm accepting those challenges. प्रभु, जो भी परिवर्तन तू मेरे जीवन में लाना चाहता है, देना चाहता है, मैं उसके प्रति तैयार हूँ, मैं उसके प्रति जागरूक हूँ। You will see your miracle. आप अपने चमत्कार को देख पाएंगे। We have seen miracle. I have completed 28 years in Itarsi, and I have seen miracle after miracle after miracle. अब मैंने 28 वर्ष इटारसी में पूरे कर लिए हैं और चमत्कारों पे चमत्कार हम देखते आ रहे हैं। This morning when I went to open the gate, और आज सुबह की बात है जब मैं मेन गेट खोलने गया। I'm not saying what God did yesterday, I'm just telling this morning. और कल परमेश्वर ने क्या किया मैं वह नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आज सुबह उसने क्या किया। When God brings changes in your life, your attitude will also change. जब परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन लाता है, आपका स्वभाव भी बदल जाता है। Instead of always complaining, murmuring, you will have an attitude of gratitude. हमेशा शिकायत करने और हमेशा कुड़कुड़ाने के बजाय आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हो जाएंगे। I opened the gate. मैं द्वार खोला। And there was a non-Christian man with a bag. He said, "This is papaya for you." और एक गैर मसीही वहाँ पर थे। उन्होंने कहा कि ये पपीता एक बैग में था। बोला आपके लिए। I'm not. My wife asked, "Is it raw or ripe?" I said, "I've not seen." और उन्होंने कहा कि कच्चा है कि पका है। मैंने देखा नहीं है। मैंने कहा। कहावत है यहाँ पर, दान में दिए बच्चे के दांत नहीं देखते, दांत नहीं देखे जाते। But I had a heart of gratitude. हम लोग का क्या था प्रार्थना? प्रभु जी, जो कुछ तू आज देने जा रहा है उसका धन्यवाद देना चाहते। See, because your mind is saturated with the word of God, जब आपका मन परमेश्वर के वचन से भरपूर है, and you examine your life to see what God is doing in your life, अपने जीवन का आप अवलोकन करते हैं कि इस बात को जाने कि परमेश्वर उसमें क्या कर रहा है, he will prove himself during changes that I am Jehovah Jireh. और परिवर्तन के समय वो इस बात को बताएगा आपको कि मैं यहोवा यिरे हूँ। I am Jehovah Rapha. और मैं यहोवा राफा हूँ। Changes may come. परिवर्तन हो सकता है आए। Some changes come from the people. और ये कुछ परिवर्तन तो लोगों की तरफ से आए। And those pain will be there for a long time. और ऐसे दर्द लंबे समय तक बने रहेंगे। But when God brings the changes in our life, लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, something happens. कुछ तो होता है। Yes. Job had a lot of pain. अय्यूब के जीवन में बहुत दर्द था। When God brought a miracle in his life, लेकिन जब परमेश्वर के जीवन में चमत्कार बुलाया, you can see what happened. आप देखें क्या होता है। My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला। Number 6. छठी बात। You as a believer, आप विश्वासी होते हुए, you must always think how you will apply. Now I'm going to give 3 words. How you will apply the messages, the principles, and the promise of the word of God in your life. आप कैसे परमेश्वर के संदेशों को, नियमों को और वायदों को अपने जीवन में लागू करें, आपको ये बात सोचना है। Not enough to think about the messages. और वचन के बारे में केवल सोचना पर्याप्त नहीं है। It's not enough to think the promises of God. परमेश्वर के वायदों पर विचार करना पर्याप्त नहीं है। It's not enough to think about the principles of the word of God.
आप परमेश्वर के जो सिद्धांतों को उस पर मनन करना पर्याप्त नहीं है। But it's very important, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है। With your thinking, with your meditation, you apply those promises and principle into your own life. आप देखिए इन नियमों को, इन संदेशों को, इन वायदों को आप अपने जीवन में लागू करें। It's very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। I know a guy, actually he's a non-Christian, you know. But he has memorized all the principles. देखिए उसने सारे सिद्धांतों को कंठस्थ कर लिया है। He has memorized the promises of God. उसने परमेश्वर के वायदों को कंठस्थ कर लिया है। But he never has seen his miracle, so he has never applied these principles or promises in his own life. लेकिन उसने अब तक चमत्कार नहीं देखा क्योंकि उसने अपने खुद के जीवन में इन संदेशों को लागू नहीं किया। I see leaders in pastor, they say, yes, my God, listen, Pastor Nikhil, God will provide your needs. और देखिए पास्टर निखिल, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। Yes, God will touch you, Pastor Nikhil. और पास्टर निखिल, परमेश्वर आपको स्पर्श करेगा। We are speaking to someone. हम किसी से बातें कर रहे हैं। We are speaking to others. हम दूसरे से बातें कर रहे हैं। But we never apply those principles and messages in our own life. लेकिन इन संदेशों को, वायदों को और इन नियमों को हम खुद के जीवन में लागू नहीं करते। This morning, आज सुबह, my wife said, she prayed, this cough should not stop. She won't call husband. She will not. That will not stop. To proclaim the word of God. और उन्होंने ये प्रार्थना किया कि यह जो खांसी है, जो सर्दी है, प्रचार करने में तकलीफ ना बनने पाए, ना बनने पाए, होकर ही रहा, समय समाप्त हो रहा है। My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। Believers apply the word of God in your own life. और विश्वासियों आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें। For your own miracle. अपने खुद के चमत्कार को पाएं। It will happen. ये होकर रहेगा। Now, what number six? Number seven. सातवां। Now it's very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। Very simple. बहुत ही सरल है। As the church leaders, believers, family and friends to join with you in prayer. आप कलीसिया के अगुओं को, विश्वासियों को, मित्रों को आप बोले कि प्रार्थना में आपके साथ जुड़े। Sometime you will experience your miracle when other people have joined with you in prayer. आप देखेंगे जब दूसरे लोग आपके साथ चमत्कार आप तब अनुभव कर पाएंगे जब दूसरे आपके साथ प्रार्थना में जुड़ जाते हैं। You have to ask them. आपको उनसे विनती करना है। We have done and we see every day people are calling for their miracle. हमने देखा है कि प्रतिदिन हमने इस बात को आजमाया है और लोग हमें फोन कॉल्स करते हैं। And within 24 hours we have seen a miracle. और 24 घंटे के अंदर हमें चमत्कार दिखा है। Call the pastors of your churches or your church. Call the family and friend. Let them join with you in prayer. और आपके कलीसिया के पासवान, अगुए, आपके मित्रगण, आपके परिवार वाले उनसे बोलें कि प्रार्थना में आपके साथ जुड़ें। Call the elders of the church. कलीसिया के प्राचीनों को आप कॉल करें, फोन कॉल करें। What is the step for your miracle? आपके चमत्कार के लिए कदम क्या है? Seventh step. सातवां कदम is to ask others to join with you. दूसरों को आप बोलें कि आपके साथ प्रार्थना में जुड़ें। Others to pray for you. या दूसरों को बोले कि आपके लिए प्रार्थना करें। You will see the miracle. आप चमत्कार देखेंगे। Let's just look into our own church, Itarsi Church. हमारे खुद की इटारसी कलीसिया की आप बात करें। Last 10 days, गत 10 दिनों में, many people call. बहुत से लोगों ने फोन कॉल किया। They call Pastor Wilson, they call Pastor Nikhil, they call Pastor Felix, they call Pastor Jen and us. And we could see the miracle. हमने देखा कि पास्टर विल्सन को, पास्टर निखिल, पास्टर फेलिक्स, पास्टर जेन, हमें कई लोगों ने फोन कॉल किया और चमत्कार हुआ। My wife is very careful who comes in her inner circle. और मेरी पत्नी इस बात के प्रति बहुत ही सतर्क है कि आखिर उनके आंतरिक घेरे में कौन आता है। But when she has a special need, she calls one person in our church and they pray together. और जब उन्हें एक विशेष किसी बात के लिए प्रार्थना करना होता है, कलीसिया से एक विश्वासी है, उन्हें कॉल करके वह उनके साथ प्रार्थना करती है।
ask and it shall be given. और आप मांगी तो आपको मिल जाएगा. What I have to ask? मुझे क्या मांगना है? Asking other people to pray for us. और दूसरों को बोलना है कि मेरे लिए प्रार्थना करें. When we come to wedding at Cana, you will know why I'm stressing this one. तो जब हम काना के उस विवाह में आएंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि मैं क्यों इस बात पर जोर दे रहा हूँ. Let's go now. आइए हम आगे बढ़ें. Brother number 8. आठवीं बात. I already shared at one point that we must have hope and trust God. और मैंने ये बात पहले ही बता दिया है कि आशा और भरोसा हमारा जो है परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए. There are many Christians, they trust God. बहुत से मसीही हैं जो परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं. They are pastoring many churches. I mean, they are pastoring churches in India. भारत में वो कलीसिया में पासवानी भी कर रहे हैं. But they do not trust God's power in 21st century. लेकिन 21वीं सदी में परमेश्वर के सामर्थ्य पर वे भरोसा नहीं करते. They say, yes, God did the miracle in the past. वो बोलते हैं हाँ परमेश्वर ने अतीत में चमत्कार किया. I believe God is alive. हाँ मैं मानता हूँ कि परमेश्वर जीवित है. But they do not trust in God's power. लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य पर वे भरोसा नहीं करते. Don't start with that. Always trust God. आप बोले परमेश्वर पर मैं भरोसा करता हूँ. Then we must say, I trust in God's power. फिर हमें ये बोलना है कि परमेश्वर की सामर्थ्य पर भी मैं भरोसा करता हूँ. So what is that eighth step? तो बताइए आठवां चरण क्या है? Trust in God's power. आप परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करें. We must believe in His miraculous power. हमें परमेश्वर की चमत्कारी उस सामर्थ्य पर विश्वास करना है. We must believe in His wonderful working power. आप उसके अद्भुत चमत्कार करने सामर्थ्य पर हमें विश्वास करना है. My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है. My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है. This morning I had a problem with my back. आज सुबह मेरे पीठ में थोड़ी मुझे तकलीफ थी. I have to put the belt, a special belt for that. और मुझे बेल्ट भी लगाना पड़ा उसके लिए. And but I said I will preach without that. लेकिन मैंने कहा उसके बिना ही मैं प्रचार करूंगा. कुछ कलीसियाओं में उनका प्रेरित हूँ, कुछ कलीसियाओं में मैं उनका प्राचीन हूँ. एंड दिस पास्टर वाज गेटिंग ओल्ड, ही वाज ऑलमोस्ट 78 year old. और एक पासवान थे जो बहुत ही उम्र दराज हो गए थे, लगभग 78 वर्ष के वो हो चले थे. And the people in the church, board members start giving hard time. तो अब जो उस कलीसिया के कार्यकारी समिति के सदस्य थे, अब उस पासवान के लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं. So I told the pastor, मैंने पासवान से कहा, Let me run the board meeting. Don't stay in this meeting. और मैंने उनसे कहा कि मैं इस सभा को चलाऊंगा, आप इसमें ना रहें. Pastor said, the two guys are very carnal. तो पासवान ने कहा कि वे जो दो लोग उसमें हैं, वो बहुत ही सांसारिक हैं. Every church, whether you are in America, Canada, or India, you'll find some member very carnal. अब किसी भी कलीसिया में चाहे अमेरिका हो या किसी भी देश में भारत में हो, ऐसे बुरे लोग रहते ही हैं. But I said, Pastor, don't worry. Let me run the meeting. मैंने कहा पासवान आप चिंता मत करें, मुझे सभा को चलाने दें. He said he has a foul language. उन्होंने कहा उनके शब्द बहुत बुरे हैं. I said don't worry. मैंने कहा आप चिंता ना करें. Let me run it. मुझे चलाने दें. I told pastor. मैंने पासवान से कहा. I'm trusting God's power in this meeting. मैं इस सभा में परमेश्वर के सामर्थ्य की अपेक्षा कर रहा हूँ. So I called the main guy. और सबसे मुख्य जो व्यक्ति है मैंने उनको बुलाया. You stand up now. मैंने आप खड़े हो जाओ. And tell me everything against me, your pastor. और आपके पासवान के विरुद्ध जो कुछ भी आपको बोलना है आप बोलो. Now this is the guy who had a foul mouth. और यही वो व्यक्ति था जिनकी भाषा बहुत बुरी थी. He stood up. वो खड़े हुए. But he could not say anything. लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए. He was paralyzed. वो वहीं पर वो लकवाग्रस्त हो गए. Trust God's power. आप परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा रखें. Listen to me. I have seen that thing happen. One of the other pastor want to resign from the church. I said, don't resign. एक और पासवान की बात बताया, कलीसिया छोड़ना चाहते थे, लेकिन मैं कहा, छोड़े ना. Trust God's power. आप परमेश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखें. God will do miracle in your church. परमेश्वर आपके चर्च में चमत्कार करेगा. After 3 days of meeting, you can resign, but stay 3 days with me in this meeting. 3 दिन की सभा के बाद आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 3 दिन आप मेरे साथ रहें. God brought the
revival in the church. And I remember one service I started 9 in the morning. It went up to 7 o'clock. बड़ी बेदारी उस कलीसिया में आ गई। एक सभा की शुरुआत हमने सुबह 9 बजे किया, उसका समापन शाम को 7 बजे करना पड़ा। Trust God's power. आप परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखें। For your miracle. अपने चमत्कार के। We saw the miracle in the church. हमने कलीसिया में चमत्कार देखा। We saw the miracle in the board. हमने बोर्ड में चमत्कार देखा। We saw the miracle in finance. For Pastor Dan Hammer. और पास्टर डैन हैमर की अर्थव्यवस्था के ऊपर बड़ी चंगाई और छुटकारे के लिए हमें चमत्कार। These are all my wife. She knows all these things. These are all facts. ये सारी बातें मेरी पत्नी भी जानती है, सारी बातें तक। Even our son Michael knows about this. हमारे बेटे भी इस बारे में जानते हैं। What I'm trying to teach this morning. आज सुबह मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? Not only I meditate on Word of God. ना केवल परमेश्वर के वचन पर मैं मनन करता हूँ। Not only I build a deep relationship with God. ना केवल एक गहरा रिश्ता मैं परमेश्वर के साथ। Not only I apply the Word of God. ना केवल परमेश्वर के वचन को मैं लागू करता हूँ। But I bring a place in my life where I trust His power completely. लेकिन मैं एक ऐसे स्थान में अपने जीवन में पहुंच जाता हूँ कि उसके उस सामर्थ पर मैं पूर्णतः भरोसा करता हूँ। Trust His power. All the time. आप सदैव उसके सामर्थ पर भरोसा करें। Now I will leave the point number 9 very fast now. और नौवां बिंदु बहुत ही शीघ्रता से बोलकर मैं समाप्त करना चाहूँगा। After trusting God's power, परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करने के बाद, expect your miracle. अपने चमत्कार की आप अपेक्षा करें। Do not doubt. आप संदेह ना करें। Do not get the opinions of other. दूसरों की क्या मत है आप ये जानने की कोशिश ना करें। Do not call some prophets. और किसी भविष्यवक्ता को आप फोन कॉल ना करें। Just expect a miracle because you are trusting God's power. आप जबकि परमेश्वर सामर्थ पर भरोसा रख रहे हैं, आप उस चमत्कार की अपेक्षा करें। He is a good God. और वह भला परमेश्वर है। As He is a good God. अरे वो भला परमेश्वर है। I will have my miracle. और मुझे मेरा चमत्कार मिलकर रहेगा। I will have my miracle. मैंने कहा मुझे मेरा चमत्कार मिलकर रहेगा। You can have your miracle. आप अपने चमत्कार को पा सकते हैं। You can have your miracle. आप अपने चमत्कार को पा सकते हैं। My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर। My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। I will give you 4 other steps next week. और आगामी सप्ताह में मैं 4 और भी आपको चरण के बारे में बताऊंगा। And then we'll go into the miracles. The first miracle of Jesus. और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के पहले चमत्कार में हम जाएंगे। God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है। Pastor Wilson, प्रार्थना। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं आज की सुबह की इस बाइबल अध्ययन के लिए जो तेरे दास डॉक्टर मैथ्यू थॉमस के द्वारा बहुत ही सरल रूप में चमत्कार के संबंध में उन बातों को प्रभु यहां पर में प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद। तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, लेकिन प्रभु कुछ नियम और शर्तें उसके लिए दी गई है जिन्हें लागू करना है। प्रभु जब इस मंच से जब ये वचन यहां से प्रचार किया गया है, लोगों ने सुना है, प्रभु होने दे कि उनके जीवन में यह वचन, यह अध्ययन, यह शिक्षा उनके जीवन में कार्य करने पाए। और प्रभु जी जो लोग चमत्कार की अपेक्षा अपने जीवन में अपने परिवार में कर रहे हैं, वो चमत्कार प्रभु जी उनके जीवन में प्रकट होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु ये केवल मन को दुभाने वाली मन को भाने वाली बातें नहीं, लेकिन खुदावन एक सच्चाई के साथ में वास्तविकता के साथ में प्रभु उनके जीवन में ये कार्य करने पाए और आने वाले समय में वे कहने पाए कि हमने अपने चमत्कार को प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। प्रभु ये वचन उन तमाम सुनने वालों के जीवन में निरंतर कार्य करने पाए, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करने पाए। हालेलुया। और प्रभु जी यहां से सुनाए गए बोले गए ये वचन प्रभु जी कभी भी व्यर्थ ना होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे दास डॉक्टर मैथ्यू थॉमस के लिए। प्रभु जी तूने उनकी सहायता किया, मदद किया,
सशक्त किया, उन्हें बलवंत किया कि प्रभु जी यहाँ पर मैं खड़े होकर वे वचन की मनादी कर सके, वचन का प्रचार कर सके, वचन के द्वारा वे शिक्षा दे सके। प्रभु हम उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनकी सेवाओं को प्रभु जी तू आशीषित कर। हर एक जो चुनौती प्रभु जी उनके रास्ते में आती है, प्रार्थना करते हैं उनका सामना करने के लिए पवित्र आत्मा उनकी सहायता और मदद कर, आने वाले समय में प्रभु और अधिक उनकी सेवा फलवंत होने पाए। प्रभु जी उनकी प्रिय पत्नी के लिए, उनके तमाम बच्चों के लिए, उनके ग्रैंड किड्स के लिए, प्रभु जी संपूर्ण थॉमस परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उनके जीवन के लिए, धन्यवाद उनकी सेवाओं के लिए, धन्यवाद प्रभु जी उनके समर्पण के लिए जो तेरे प्रति, तेरे लोगों के प्रति, तेरी सेवकाई के प्रति पाया जाता है। प्रभु जी आने वाले समय में और अधिक खुदाबंद इस परिवार को अपनी सेवा में इस्तेमाल कर। धन्यवाद प्रभु जी पास्टर निखिल के लिए, खुदाबंद अनुवाद करने के लिए प्रभु ने उनकी सहायता मदद किया, उन्हें भी तू बड़ी बरकत और आशीष दे, आने वाले समय में उन्हें भी तू अपनी सेवा में इस्तेमाल कर। जितने प्रभु आज तेरे इस संदेश को, इस वचन को, इस शिक्षा को सुना है प्रभु, वे इस वचन के द्वारा, इन शिक्षाओं के द्वारा प्रभु जी वे आशीष को प्राप्त कर पाए। धन्यवाद प्रभु जी, आने वाले समय में हमारे संग और साथ में तू हो, तेरा अनुग्रह तेरी दया हम सबके जीवन पर बनी रहे। यहाँ तक प्रभु जी तूने हमको संभाला, आगे भी तू ही संभाल, तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन।